के कुछ बंद जैसे बाबर है, बाबर की टेक्निक है कि वो नॉर्मली ये करता है। मतलब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही चीज ही हो रही है यहाँ पर। मिसबाहुल हक जो है वो बाबर आजम को अब बैटिंग के टैक्टिक्स सिखा रहे हैं कि भाई आपका पांव यूं जाता है और आपका ये होता है और वो होता है। तो ससुर तुम हमको ये बताओ, जब तुम ये 1.5-2 साल या 3 साल पाकिस्तान की कोचिंग में लगाए हो तो वहाँ अंडे बेच रहे थे क्या? नहीं ससुर ऐसे देखो, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट की ये समझ नहीं आती कि साला इंडिया से हारे हैं हम, तो लोग जो है वो अपनी अपनी राय लेके आगे आना शुरू हो गए। कोई कैसी राय दे रहा है, कोई कह रहा है कप्तानी ठीक नहीं है, कोई कह रहा है बैटिंग ठीक नहीं है, कोई कह रहा है मिडल ऑर्डर ठीक नहीं है, कोई कह रहा है फास्ट बॉलिंग ठीक नहीं है, कोई कह रहा है इतने बॉलर को खिलाओ। ओ भाई खुदा का वास्ता तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग की बकवास करने से जो है यहाँ पर टीम के ऊपर उल्टा प्रेशर पड़ता है, टीम सुधरती नहीं है, उल्टा प्रेशर पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर किसी ने जेन्युइन बात करनी होती है तो बात करने का एक तरीका होता है, ये क्या कि भाई इसकी उसकी 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 दोस्तियां और या वगैरह पर्सनल चीजों में घुसते रहते हो। अब यहाँ पे हम आपको बताएं तो मिसबाहुल हक जो पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान, फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कोच, फॉर्मर पता नहीं क्या क्या है, वो जो है यहाँ पर बाबर आजम को बैटिंग की तकनीक बता रहे। मतलब कुछ भी। अबे ससुरा तुम्हारी वनडे में एक सेंचुरी नहीं है, टेस्ट में तुमने टोटल 10 सेंचुरी स्कोर की हैं, T20 में कौनों तुम्हारी सेंचुरी नहीं है, और तुम यहाँ बाबर आजम को जो कि T20 में 2 सेंचुरी है, वनडे में 17 सेंचुरी है, टेस्ट में 6 सेंचुरी कर चुका है, और तुम ससुरा उसको जो है सिखा रहे हो कि भैया सेंचुरी किस तरीके से या बैटिंग किस तरीके से की जाती है। सुड़ीके? अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। ओ भाई मिसबाहुल हक, तुमने अगर ये चीज सिखानी थी ना तो तुम आज से कुछ साल पहले सिखा लेते, जब तुम कोच थे पाकिस्तान के, तब तो तुमने पाकिस्तान को बेड़ा गर्क करने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तुमने वकार यूनिस तुम्हारे जो बड़ी वगैरह था जो भी था, एज अ क्रिकेटर मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ नहीं लेकिन एज अ ओवर थिंकर और एज अ कोच जो है ना तुम बिल्कुल फारिग हो, ये बात याद रखो। ये भगवान क्या जुलूम है। देखो तुम्हारा जो भी हो मसला बाबर आजम के साथ वो तुम बेहतर जानते हो, मगर तुम कोच बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तुम खिलाड़ी भले कितने अच्छे हो लेकिन तुम कोच बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम मेंटोर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मिसबाहुल हक जैसे और भी जॉन चंपू उठ के बैठे हुए हैं क्रिकेट के एनालाइज करने के लिए, ये कर दो वो कर दो, मतलब ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ कभी जीतने का सोचा भी नहीं होना है और फिर भी जो है यकीनन ये ऐसी बातें करते हैं। मुझे बताओ मिसबा ऐसे कौन से मैच में था जिसमें इंडिया के साथ हम इतने क्लोज आके मैच हारे हों। ओ भाई 2011 में तुम थे हम हार गए, 2015 में तुम थे हम हार गए, ठीक है ना, शुक्र है 2017 में तुम नहीं थे फिर हम जीत गए। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में तुम थे या नहीं थे, आई डोंट नो, नहीं तुम नहीं थे लेकिन फिर भी हम हार गए थे। तो ये जो जितने बड़े बड़े क्रिकेटर एनालाइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया इस तरह बैटिंग को लेके जाओ, इस तरह इंडिया के खिलाफ ये करो, इंडिया के खिलाफ ये वाली अप्रोच करो, तुम लोगों ने क्यों नहीं की थी? तुम लोग को अब ये चीज समझ में आ रही है? तुम लोग को पहले ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि भाई कौन सी अप्रोच करनी चाहिए, कौन से खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए, कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे, इस तरीके से जाकर पाकिस्तान जीतेगा? नहीं भाई, उस टाइम पे तुम लोग हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठे हुए थे और आज तुम लोग यहां पर बाबर आजम को बैटिंग के गुण सिखा रहे हो और पाकिस्तान की जो कप्तानी है, जो कप्तानी बाबर आजम की, उसके ऊपर सवाल या निशान उठा रहे हो। मतलब वाह 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 वाह, ये बाबर आजम भी मतलब यार ऐसे लोगों को मौका दे रहा है। भाई तू जैसे परफॉर्म कर रहा था तू करता रहता। देखो बाबर की कप्तानी को इतनी कोई खास गंदी भी नहीं थी या उसकी बैटिंग को इतनी कोई फारिग नहीं हो गई कि आप उसको अभी से बोलना शुरू कर दो। रिसेंटली उसने T20 में सेंचुरी की है, 50s की है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बाबर आजम को जितना एक्सपीरियंस है ना वो अपना खुद ही रिहैबिलिटेट कर लेगा और यकीनन खुद ही जो है वो प्रोसेस कर लेगा। वो ज़्यादा कम से कम मिसबाहुल हक से ज़्यादा अच्छा सोचता है, ये बात हमने उसके जाने के बाद देख ली है। रमीज राजा जब से आए हैं बाबर आजम को जब से छूट दी है तो पाकिस्तान की टीम को इतनी कोई गंदी नहीं खेल रही है जगह आप उसको जो है क्रिटिसाइज करो। अभी ट्राई नेशन सीरीज जीते हैं न्यूजीलैंड के अंदर जाकर, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दोनों को हमने पेला है। तो यहां पर ये कोई ऐसी ही नहीं पेलाई हुई है हमारी, तो ठीक ठाक जो है पाकिस्तान की टीम है, इतना कोई घटिया भी नहीं है जितना तुम्हारे यहां पर घटिया सोच है कि भाई हम जो है उसको ये सिखाएंगे। तुम जो है खड़े होकर उसको बोल रहे कि भाई तुम्हारा राइट लेग यूं जाना चाहिए, तुम्हारी बॉल यहां पर लेंथ आ रही है और बैक फुट पर ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। भाई खुदा का वास्ता तू जो ये अपनी तकनीक वगैरह जो कुछ है ना इसको अपने घर में रख और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करनी तो चुपचाप अपने मुंह से बात कर, वैसे कोई सुनता तो नहीं है तेरी लेकिन फिर भी तू अपने मुंह से जो करने बात करनी है कर ले। एज अ क्रिकेटर वेल डन मिसबाहुल हक, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, बट एज अ कोच वन ऑफ द घटिया, वन ऑफ द बेकार, वन ऑफ द यूजलेस कोच ऑफ पाकिस्तान मिसबाहुल हक। अगर आप बात करते हो कोचिंग की, वकार यूनिस वाला हाल है तुम्हारा भी, वो खेलना तो आना नहीं है कॉमेंट्री में बैठकर, व्हाई यू आर डूइंग दिस, मतलब वो भी बॉलिंग का कोच है और कॉमेंट्री में बैठ के अपने तरीके पूरे झाड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब बात आ रही है बैटिंग की
की या बॉलिंग की, बॉलिंग सिखाने की, तो वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। अजीब ही मतलब खली वली मचाई हुई है। खैर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना, चैनल सब्सक्राइब भी किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि तुमको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां पर देखने को मिलते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद यानत, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।